बाबरपुर बस टर्मिनल पर वन एवं वन्य जीवन विभाग द्वारा वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज वन महोत्सव का सातवां व अंतिम आयोजन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे दिल्ली में जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, आज उसका आखिरी पड़ाव है। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर पिछले 8 सालों से निरंतर प्रयास किया और जनता के सहयोग और समर्थन से पूरे देश के अंदर दिल्ली ऐसा शहर है जहां प्रदूषण 30% कम हुआ है। दोस्तों, वन महोत्सव के इस सातवें लोकसभा के आखिरी पड़ाव पर हम सब लोग यहां मिले। आज इस दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर पूरे दिल्ली के अंदर जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया, आज नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का आखिरी पड़ाव है। साथियों, दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए। वो ऐतिहासिक काम हुए जिनको लोगों ने मान लिया था कि कभी हो नहीं सकते, लेकिन उन ऐतिहासिक कामों के साथ साथ दिल्ली के अंदर एक बात हर कोई चर्चा करता था कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। मैं आप सब लोगों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर के पिछले 8 साल से निरंतर प्रयास किया। आज पूरे देश के अंदर सभी शहरों में विकास कार्य हो रहा है, दिल्ली में भी विकास कार्य हो रहा है, लेकिन हमें इस बात का फक्र है कि आपके सहयोग और समर्थन से पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है। अकेला शहर दिल्ली है जहां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम हो चुका है। यह केवल सरकार के प्रयास से संभव नहीं है, इसमें आपकी सहभागिता ने सहयोग किया। आप याद करो, जब दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनी थी, नई दिल्ली के अंदर जाड़े के महीने में चारों तरफ चादर बिछ जाती थी, सामने दिखता नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में हम ऑडिबल लागू करेंगे। दिल्ली वालों ने संकल्प लिया, पूरे दुनिया का इतिहास है, अगर पूरे दुनिया में कहीं पर ऑडिबल सफल हुआ उसका नाम दिल्ली है। यह रिकॉर्ड दुनिया के इतिहास में दर्ज हो चुका है। आज न सिर्फ प्रदूषण कम करने वाला सबसे पहला शहर दिल्ली बना है, बल्कि पूरे भारत के अंदर गाड़ियों का प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाला भी भारत का नंबर वन राज्य दिल्ली बन चुका है। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां देश के किसी भी राज्य के अंदर नहीं खरीदी गई। आप देखते होंगे अरविंद केजरीवाल जी ने गाड़ियों से पूरे दिल्ली के अंदर पानी छिड़काने का अभियान किया, अलग अलग पॉलिसी बनाई गई, उसका असर दिख रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, प्रदूषण कम करना एक बात, जो पैदा हो गया उसको कैसे रोका जाए। अगर दिल्ली के प्रदूषण को कम करना है तो एक ही रास्ता है, दिल्ली को हरा भरा किया जाए। आज ये वन महोत्सव के माध्यम से अभियान एक जन आंदोलन बनाए, लेकिन वन महोत्सव का आज आखिरी पड़ाव है। दिल्ली को हरा भरा करने का यह पहला चरण है, अगला चरण सितंबर से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तैयारी कर रहे हैं, अगला G20 के बाद दिल्ली के अंदर एक महाअभियान शुरू होगा जिसका नाम है घर घर हरियाली। उस महाअभियान में भी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सहयोग करें, घर घर हरियाली लाएंगे और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। इस संकल्प के साथ G20 के बाद अगला पड़ाव चलेगा। आप सब लोग यहां इतनी बड़ी तादाद में आए, नॉर्थ ईस्ट ने सबसे बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के आज का वन महोत्सव मनाया है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। Thank you.